तो राजा बलि भगवान के समक्ष खड़े हैं और वामन भगवान ने कहा हमें 3 पग भूमि चाहिए। देखिए गजब की बात है, क्या भगवान जो सबको देता है वो मांगेगा? जो सबको देने वाला है क्या वो मांगेगा? सच यह है कि वो अपने लिए कभी नहीं मांगता है, कभी नहीं। भगवान का कार्य ही है एक किसी भी तरीके से अपने धर्म को बढ़ाना और किसी भी तरीके से अपने भक्तों के संकट को दूर करना। अब कौन सा संकट है साहब? ये संकट नहीं है, देवता दर बदर भटक रहे हैं। जब देवता ही दर बदर भटकेंगे, गुफाओं की कंदराओं में जाएंगे, तो बेचारे इन देवताओं के चाहने वालों का क्या होगा? कोई शिवजी को, शिवजी तो महादेव हैं, लेकिन कितने हैं? कोई हम लोग सब सूर्य को जल चढ़ाते ही हैं, तो ऐसे देवता परेशान हो रहे देवराज इंद्र। तो भगवान ने देवताओं का दुख दूर करने के लिए वामन रूप धारण किया और राजा बलि के द्वार पर गए। राजा बलि से कहा विक्षाम देही। सदग्रस्त वही है जो अपने द्वार पर आए हुए व्यक्ति को कभी निराश नहीं भेजता। पहले तो हमारे यहां अतिथि भी आते थे, अब तो अतिथियों ने भी आना बंद कर दिया है। वो घर पवित्र है जिस घर में अतिथि आते हैं। वो मां लक्ष्मी है जो अपने हाथों से प्रसाद बनाकर अतिथियों को भोजन पवाती है। वो मां पवित्र है, वही लक्ष्मी है। आजकल आप देखेंगे कि हमारे घरों में थोड़ा द्वंद्व भी बढ़ रहा है, उसकी रीजन भी जानिए। हमारे घरों में से सेवा छूट रही है। गौ की सेवा नहीं है, तुलसी की सेवा नहीं है, अतिथि सेवा नहीं है, बड़ों की सेवा नहीं है, भगवान की सेवा ना के बराबर है। Am I right or wrong? बोलिए। एक और घटना बता देता हूं, याद रखिए जीवन भर। बताऊं कि नहीं? जब हमारे घरों में बच्चे होते हैं तो न मम्मी पे टाइम है न पापा पे। क्या करते हैं दोनों? पैसा खर्चा करते करते ना। बेबी हुआ नहीं, होने वाला है, तभी से घर में आया आ जाती है। हाँ जी कि ना जी? हो सकता है ये लखनऊ में कम हो रिवाज, हो सकता है, लेकिन बड़ी बड़ी मेट्रो सिटियों में ये रिवाज है। जो भी थोड़े से संपन्न लोग हैं, और वो तो यहां भी होंगे तो भी यही चलता है। जैसे ही बेबी होने वाला होता है तो आया आ जाती है, उसे पेमेंट दिया जाता है और वो रख रखाव जो है वो बेबी कर, बेबी का, बच्चे का रख रखाव वो आया करती है। अब वही बच्चा बड़ा हुआ, आज के युग में सपूत किसको कहेंगे? आज के युग का वही सपूत है। बड़ा हुआ, वो भी पैसा देके एक सर्वेंट रख देता है कि मम्मी को दवा दे देना, पापा को दवा दे देना, भोजन दे देना। और आजकल के जो महान बच्चे हैं वो इतने में अपनी जिम्मेदारी पूरी समझ लेते हैं। कितने में जानते हो? मम्मी ने भोजन किया? बोले हाँ। और दवा खा लिया? बोले हाँ। पापा का चाय हो गया? बोले हाँ हो गया। बस हो गया काम, बेटे का श्रवण कुमार बन गया वो। पूछ लिया ना, बहुत करे कौन? बोले नौकर या फिर बीवी। बेटों से कहना चाहूंगा, सेवा करना सीखो। अगर चाय नहीं बना सकते तो रसोई में से चाय लेके तो आ सकते हो अपने पिता के लिए। बांट लो ना 50-50। तेरी पत्नी चाय बना दे, तू चाय लाके पिला दे। तेरी पत्नी भोजन का बना दे, तू भोजन लाके जिमा दे। अब बहुएं बड़ी खुश हो रही होंगी, बोले ये सही पकड़े हैं महाराज आप। बेटों को भी कुछ करना चाहिए।
अगर बेटा सुबह जॉब पे जाता होगा तो भोजन के टाइम पे तो वो रहता नहीं होगा, फिर कैसे करेगा? काम पे जाता होगा तो कैसे करेगा? लेकिन उस कठिन परिस्थिति में भी कम से कम संडे के दिन, जिस दिन आपकी छुट्टी होती है, उस दिन अपने माँ बाप के साथ रहिए, उनकी सेवा करिए, सिर्फ नौकरों के हवाले मत छोड़िए उन बुजुर्ग माँ बाप को। आपको उनका बेटा बनना है, बेटा ही बन के रहना है, बहू को बहू नहीं बेटी बन के रहना है। हमारे घरों में अशांति का कारण है कि सेवा भाव कम हो गया। अब हमारे घरों में सेवा नहीं रही, न भगवान की सेवा है, न अतिथि सेवा है, न माँ बाप की सेवा है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे बता देना जरा। भगवान की भी सेवा बस स्नान करा दो, आरती पूजा हो गए, भोग लगा दे, जो बनने सा सो लगा दो, खत्म। ये भगवान की सेवा नहीं है। एक एक चीज का ध्यान रखना होता है। गर्मी चल रही है तो ठंड से ही इत्र कौन सा लगाना है ये भी बात का ध्यान रखना है। सर्दियों में कौन सा इत्र लगाना है इस बात का ध्यान रखना है। सर्दियों में गर्म जल से स्नान कराना है और गर्मियों में ठंडे जल से स्नान कराना है, और जल भी पवित्र होना चाहिए। सेवा वो नहीं है जितना हम लोग समझते कि बस हो गई सेवा, नहीं, इतना नहीं। हम गृहस्थियों का काम है कि हम लोग गृहस्थी लोग अपने द्वार पर आए हुए अतिथि को भगवान ही समझें, और वो भगवान ही है, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। अगर अतिथि को हम भगवान नहीं समझते हैं, उसे हम घूर घूर कर देखते हैं, गुस्से की नजरों से देखते हैं, द्वेष भरी नजरों से देखते हैं, तो आपको पता नहीं इसका भी एक पाप लगता है और हमें नरक में जाना पड़ता है। अरे मेरा घर है, मेरे मैं कुछ भी सोचूं, नहीं, तेरा और तेरे बाप का घर नहीं है, ये परमात्मा का घर है, ये जीवन परमात्मा का है, ईश्वर ने दिया है। और जिस ईश्वर ने मुझे जीवन दिया है, घर दिया है, उसी ईश्वर ने मुझे जिम्मेदारी भी दी है, ये कर और ये मत कर। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा।